और अगर आपको ये पता चलता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही बकवास है, तो यू नीड टू पिवट द स्ट्रेटजी। और अ बिग फेलियर इज, देयर इज वन मेजर फेलियर कुड बी बिकॉज यार मैं अपनी अपनी जो है ना मैं मर्जी चला रहा हूं, नाका मसला समझ लेते हैं लोग। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, Amazon सबने यूज किए, कितनी जबरदस्त चीज है ना। Amazon का जेफ बेजोस जबरदस्त एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, सारे यही समझते है भी अमीर हो गया। उसने एक गलती की थी जिंदगी में, मैं उस गलती का बताता हूं आपको, और उस गलती से शायद उसने किया ही नहीं किया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में गलती होगी उसकी वजह से। अमेज़न में मोबाइल किसी ने यूज किए, किसी ने सुना है अमेज़न मोबाइल का? सुना, आपको पता है कि उसका यूज भी किया? आपको पता है आपके पास $117 मिलियन वर्थ ऑफ इन्वेंट्री है अभी भी? हाँ, जब तक वो जो किताब मैंने पढ़ी है उस वक्त तक एक $117 मिलियन वर्थ ऑफ इन्वेंट्री जो बना ली थी। और आप उसके किसी से भी पूछ लें, अकॉर्डिंग टू दैट बुक, मैंने नहीं पूछा, अकॉर्डिंग टू दैट बुक किसी से भी पूछ लें या ये आपने क्यों बनाया था इसका, आगे से जवाब देते थे जेफ वांटेड इट। तो इतनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर एक कल्चर ऐसा बन जाए कि बस जस्ट बिकॉज जेफ सेड इट We are going to do it. जेफ जैसे बंदे कितने हैं जिन्होंने खरीदना है मोबाइल? उसने कितने, कितने लोग होंगे? 100? 100 यार बड़ी बात है यार, 100 दुनिया में हो इतने बंदे तो क्या ही बात है। मेरा ख्याल है जेफ के मुकाबले में शायद 2-4 लोग ही हों, अगर उसकी अमारत की देखें, अमारत देखें तो 100-200 ज्यादा तो नहीं होंगे। तो बस ये कल्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसी तरीके से स्टार्टअप में भी बन सकता है। हो सकता है कि आप लोग इवन दो यू आर नॉट दैट बिग एट द मोमेंट